बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है बकरे के पाए का सालन, जो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सर्दी भी है, आई भी है, तो उसमें बकरे का सालन बना के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमने ले लिए 6 जोड़ी पाए, इसको अच्छे से हमने धो लिए और धो के हमने रख लिया। अब इसको कुकर में हम इसकी अखनी बना लेंगे पहले, तो चलिए वो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पाए को हमने कुकर में शामिल कर लिए और मैंने पानी भी डाल दी हूँ 1 लीटर। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और ये मैंने खड़े गरम मसाले ले ली हूँ कुछ, 6 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 20 से 25 काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून सौंफ है और ये ले ली हूँ दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 सूखी लाल मिर्ची है, 2 तेज़पत्ता है, 10 से 15 लौंग ले ली हूँ मैंने। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। ऐसे करने से स्मेल भी नहीं आएगी और पाए इतने टेस्टी बनेंगे बहुत ही ज़्यादा। जो नहीं भी खाते हैं वो भी पाए खाना स्टार्ट कर देंगे। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसको इस तरीके से कट कर ली हूँ। 10 से 12 लहसुन की कलिए है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था उसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिए। ये डालेंगे और इसमें सीटी दे देंगे 4 सीटी देने के बाद में मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ, हम इसका सालन किस तरीके से बनाएंगे। नमक भी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक ले ली हूँ मैंने, नमक शामिल कर देंगे। नमक हम सालन में भी डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना, तो थोड़ा भी डालेंगे और थोड़ा बाद में टेस्ट करने के बाद में हम डालेंगे। तो चलिए पाए देखिए माशाल्लाह से अच्छे गल गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए, देखो दिख रहा है ना, आहा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से भी सूप पियेंगे ना हम तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको हम सेट में रखते हैं जब तक का हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं सालन के लिए। 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिए हमने, ऑयल को गरम कर लिए। अब इसके अंदर एक बड़े से साइज़ की मैंने प्याज ले ली हूँ, इसका इस तरीके से स्लाइस कर ली हूँ बारीक, इसको हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक का ये गोल्डन नहीं हो जाती है। प्याज अच्छी फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। प्याज को मैं एक साइड पे निकाल लेती हूँ। प्याज हमने निकाल लिए, थोड़ी सी प्याज इसमें पड़े रहनी थी। अब इसके अंदर खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे हम। 1 तेज़पत्ता ले ली हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। ज़्यादा खड़े गरम मसाले हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब हम बॉइल कर रहे थे ना उसको पाए को, तो जब हमने उसमें मसाले डाले थे उसका टेस्ट आ गया है मसालों में। अब इसको हम गरम होने देते हैं, 1 से 2 मिनट ऑयल में इसकी खुशबू आने देते हैं। गरम मसाले अच्छे से भुन गए। अब 2 प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज की, इसका मैंने पेस्ट बना ली हूँ, इससे ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनेगी। तो ये 2 प्याज को हमने पीस लिए। अब इसको हम अच्छे से इसका कच्चापन निकलने तक का भून लेंगे, जब तक का इसमें से कच्ची स्मेल नहीं चली जाएगी हमें इसको भून लेना है। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। ये भी ध्यान रखना है ये छिट्टे जब फ्राई होने आ जाता है ना तो इसकी छिट्टे उड़ती है, तो वो संभालना आप लोग। तो इसको भून के मिलते हैं आपसे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, देखिए गोल्डन कलर आ गया ना। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी भून लेंगे। अदरक लहसुन भी प्याज के साथ अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम ड्राई मसालों को शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया ले ली हूँ मैंने, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली हूँ क्योंकि हल्दी हमने बॉईल करने के टाइम भी डाले थे, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ले ली हूँ। अब इन चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि पाए का अपना एक मज़ा होता है, ज़्यादा ऑयल भर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, तरी तरी वाला। पाए के अंदर ही सब ऑयल होता है ना, रोगन निकलता है तो उसी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1/2 कप पानी डाल के मसालों को अच्छे से भून लेंगे, इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, सब तक का हमें इसको भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भून गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। गैस की फ्लेम को मैंने अभी स्लो रखी हूँ। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो पाए में अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा ऑयल। जिस प्याज ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करी थी उसी में मैंने मसाला बनाई हूँ, देखे थे ना आपने मैंने
टेबल स्पून ही ली थी मैंने ऑयल। अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम ये जो पाए है इसको निकाल लेंगे सूप में से। पहले पाए को अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ में। आप लोग देखना कुछ स्मेल नहीं आती है, कुछ भी नहीं, इतने टेस्टी पाए बन के तैयार होते हैं ये। आहा मटन पाए। पाए मैंने सब छान के निकाल ली हूँ। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, एक से दो मिनट मसालों के साथ में हम भून लेंगे। और जो इसका स्टॉक बचा हुआ है ना, जो सूप है वो, उसको हम छान के डालेंगे, क्योंकि उसमें सौंफ है, लौंग ज़्यादा है, काली मिर्च है, वो सबको हम छान के निकाल लेंगे। खाली इसका स्टॉक हम इसमें शामिल करेंगे। एक से दो मिनट इसको भून लेती हूँ। पहले मैं चिकन का स्टॉक देखिए हमने इस तरीके से छान लिए। अब इन चीज़ों को हम सेट में रख देंगे, ये अभी किसी काम की नहीं है। मैं इसको मसल के इस तरीके से निकाल लेंगी हूँ, है ना। स्टॉक सिर्फ हमें चाहिए इसका। सब फ्लेवर आ गया है देखिए इसके अंदर, लग रहा है ना कितना ज़बरदस्त। और ऐसे दबा लेंगे इसको चम्मच से। अब इसको हम पाए के ऊपर शामिल कर देंगे। पाए के स्टॉक को अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके साथ पकने देंगे हम। अब इसमें मैं नमक शामिल करूंगी। अभी तक मैंने नमक नहीं डाली हूँ, सिर्फ बॉईल करने के टाइम पे डाली थी। एक टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना जितना आप खाते हैं। अब चला लेंगे हम इसको, गैस की फ्लेम को फास्ट कर देंगे। अभी तो पानी की ज़रूरत, थोड़ा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर, क्योंकि सालन पतला अच्छा लगता है ना थोड़ा पाए का। थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टॉक ही देखिए हमारा बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको पकने देते हैं 10 मिनट के लिए। सालन में अच्छे से खद्दा आ गया, 10 मिनट हो गए। अब जो प्याज को हमने फ्राई करके रखे थे ना, इसको मैंने मिक्सी की जार में डाल के से दरदरा सा पीस ली हूँ। देखिए ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करी हूँ, दरदरा सा करी हूँ। अब इसके साथ में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक का और फास्ट पे पकने रखेंगे। इसके अंदर मिक्सी का जार धो के मैं आधा गिलास पानी ले रही हूँ, ये शामिल करेंगे। बस ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। 10 मिनट तक का हम इसको पकने देंगे ढक के। 10 मिनट के बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पाए बन के रेडी हो गए। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस पर थोड़ा कोथमीर शामिल करेंगे, मज़ेदार सा। थोड़ा सा जिंजर अदरक काट के रखी हूँ मैंने, ये देखिए जूनियर टाइप में। आहा मज़ा ही आ जाएगा। पाए देखिए आप कितने टेस्टी बने हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एकदम इजी है पाए बनाना है, देखिए इतने बेहतरीन लग रहे हैं ना, गल भी गए बिल्कुल। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन पाया बनके रेडी हो गया। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।